सबको चाहिए थी 70 मीटर दूर रहने के लिए। नहीं, वी आर वेरी ऑफन, वी आर यूज्ड टू इट। अच्छा सर, एक बार नाम बता दीजिए। हाँ, मैं चेतन दत्ता। अच्छा अच्छा, आप ही पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शायद। अच्छा, जिम्मेदारी को पूरा किया। रेगुलेशन रहा कैसा रहा, क्या आपके तरीके से देखा जाए तो सक्सेसफुल रहा? 100% सक्सेसफुल। कितनी देर लगी सर, जैसे कह रहे थे 9 से 12 मिनट? द सेम टाइम 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश कर गई। अच्छा, 9 सेकंड में, मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई है और 100% पास हुई है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी टीम का वर्क होता है, तो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि कर दिखाया? सर बिल्कुल, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया, उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। और सर कितने लोग थे, कितने इन्वॉल्व थे, आपने कितने इन्वॉल्व लोग? सर माय फैमिली वेटिंग फॉर मी। कितने लोग, कितने लोग? हाँ मैडम, टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे जी, और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे जी, और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप इतने कितने दूर थे, मतलब पूरे? मैडम सिर्फ 17 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा, बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहां धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी, और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोड था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है, एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। ग्रैंड सिटी नाम और डेजिग्नेशन? माय सर चेतन दत्ता, आई वाज जनरल ब्लास्टर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।